डेली पोस्ट वेख रहे सारे दर्शकों का मैं जतेंद्र शर्मा स्वागत करता हाँ। कल रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिता सी ते देश की इंडस्ट्री नू कारोबार नू उपर चकन वास्ते उन्होंने एक राहत पैकेज की घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए की, जिस करके असं गलबात करांगे CARS कलरा जी नाल जो कि इस राहत पैकेज से पूरा विस्तार नाल दसणगे। सर, इस राहत पैकेज का की फायदा होएगा इंडस्ट्री को? सर, असी पिछले 50-60 दिन तो देख रहे हैं सारा देश कि सारे दुनिया करोना के नाल जूझ रही है। इस दे नाल की है, सारे का सारा बिजनेस ठप पिया है, साडे अपने देश का भी ते विदेशों का भी। इस करके देश दे विच कोई भी कारोबार नहीं हो रहा। पर हुण की है, इहदे विच लोगों नूं एक सोच, इस करोना ने एक लोगों नूं एक नवीं सोच दित्ती है कि इस नवीं सोच दे नाल असीं की सोचना है। इस तरह ही देश दे प्रधानमंत्री जी ने कल राती अनाउंस किया है कि देश दे जिहड़ा आर्थिक मतलब आर्थिक नीति नाल इहनूं किद्दां उपर चुक्या जाए। उन्होंने एक 20 लाख करोड़ रुपए का नवा पैकेज अनाउंस किया है जिहदी कि डिटेल्स अजे आनियां हन। हुण की ये आर्थिक पैकेज डायरैक्टली दिता जाता है या इनडायरैक्टली दिता जाता है, कि लोगों नूं कोई बेनीफिट्स इन जिहड़े मोनिटरी जिहड़े डायरैक्ट दिते जाणगे या इन्हां दे कोई ना कोई बेनीफिट्स अदरवाइज नॉन मोनिटरी बेनीफिट्स लोगों नूं दिते जाणगे। सब तो वड्डी गल ये है जिहड़ी इंडस्ट्री नूं उपर चुकना है, तो सारे नाल वड्डी गल ये है इंडस्ट्री नूं उपर चुकन दे लई जिहड़े कि ना इनसेंटिव की लोड़, ये नहीं भी डायरैक्टली इनसेंटिव दिते जाण, जिहड़े एग्जिस्टिंग लॉज हैगे आ, एग्जिस्टिंग कानून हैगे आ, उन्हां तों उन्हां दा जिहड़ा डर है यानी टैक्स टैररिज्म है वह खत्म करना बहुत जरूरी है, जिस करके लोग अपना जिहड़ा बिजनेस है वधिया तरीके नाल कर सकन। सैकंडली गल है, मोदी जी ने राती कहा है बई जिहड़ा डिमांड, पंजवां पिलर डिमांड है। डिमांड की है, जो साडा एक कंट्री है डेमोग्राफिक फोर्सिस के हिसाब नाल वर्ल्ड दे विच दूजे नंबर ते आंदा है, तो इस करके डिमांड जे साडे कंट्री दे अंदर सैल्फ जिहदा लोकल इज वोकल जे हो जाती है, साडे कंट्री दे अंदर ही डिमांड बहुत वध जाती है, तो सानू जरूरत ही नहीं है कि ना दूजे किसी के उत्ते डिपेंड होने की, क्योंकि उन्होंने कहा है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब सैल्फ रिलायंट बनो, भी जो असी लोग अपने ते हो जाएंगे सानू दूसरे पास किसी की लोड़ नहीं पेगी। सैकंडली की है, उन्होंने ये बड़ा वधिया इशू क्या है कि जिहड़ी प्रोडक्शन है हुण लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा, दूसरे वर्ल्ड का नज़रिया भी चेंज हो रहा। जिहड़ा सैकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री है वह इंडिया है, तो जे अगर दूसरों की दूसरे मुल्कों की निगाह साडे कंट्री के उत्ते पैंदी है, दैट मीनस कि ना सानू जरूरत ही नहीं पैनी, इन्नी इंडस्ट्री इत्थे हो जानी है, इन्नी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जानी है, तो इस करके असी लोग अपने आप अपने मुल्क नूं फीड कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, इंडस्ट्री हो जानी, प्रोडक्शन हो जानी, पर देखा जा रहा है कि लेबर लगातार अपने घर वापस जा रही है, अपने पिंड वापस जा रही है, तो जब लेबर नहीं होएगी तो प्रोडक्शन कितों होएगी? प्रोडक्शन जो होएगी तो ही डिमांड होएगी ना, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही क्यों? लेबर नहीं है इतने। सर, एक टैंपरेरी फेज़ है, जदों थोड़ा जहा करोना का जो डर है या बीमारी थोड़ा जहा अपने कंट्रोल च आएगी तो इंडिया लिए एक वरदान साबित होएगी, क्योंकि करोना के नाल ही कि ना दूसरे जो कंट्रीज़ है, मैं बार बार यही कह रहा है कि दूसरे कंट्रियां की जी निगाह है एक कंट्री वालों हट के साडे कंट्री वाल है, क्योंकि साडा ही एक कंट्री है जिथे जिथे लेबर ही बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत ज़्यादा है। सैकंडली की है, साडे कंट्री जो लोग बाहर जा रहे हैं, यूथ बाहर जा रहा, वो उन्होंने भी एक रुझान जोड़ा ना उतों घटेगा। रीजन है कि पहले साडा जो वाइट कॉलर लोग है, जो टेलेंट साडा बाहर जा रहा है, वो टेलेंट साडा रुक जाएगा, वो टेलेंट इंडिया जो होएगा, जो साडे टेलेंट इत्थे रहेगा तो इत्थे ही मैनुफैक्चरिंग करेगा, जो साडी मैनुफैक्चरिंग होएगी तो साडे कंट्री नूं फीड करेगी, तो दूसरे कंट्रियां नूं भी फीड करांगे। जी बिल्कुल, जब साडे यूथ इत्थे काम करेगा, टैलेंट इत्थे बनेगा, तो वो नैचुरली देश तरक्की करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। साडे नाल ने एडवोकेट सरना जी, इनकम टैक्स के माहिर, जिन्हां दे नाल गलबात करदे। सर, जिहड़ा राहत पैकेज कल नूं दस्सिया गया है, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहुंदे हो? सर, आ जो पैकेज दिता जी, दिस इज़ कॉल्ड द मोस्ट अवेटेड पैकेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग द करोना टाइम्स। आ जो पैकेज है, इन्नी ज़्यादा वेट की जा रही थी MSME सैक्टर की, एग्रीकल्चर सैक्टर, वो कल मोदी जी लेके आए जी अपनी स्पीच, वो अलॉट करते पे 20 लाख करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है जी। इस अमाउंट नू आ जो मॉडल है ना जी, आ मॉडल बेस है ब्रिटिश फिस्कल स्टिमुलस मॉडल, उत्थे भी उन्होंने 30 बिलियन पाउंड्स का पैकेज अलॉट किया है जी। उन्होंने उस मॉडल च आ क्या है कि ये जो भी पैकेज आएगा उन्हें फेस मैनर विच स्पेंड किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा हेल्थ केयर सैक्टर, लेबर सैक्टर, MSME सैक्टर,
उसी बेस से कल मोदी जी मॉडल लेके आए हैं जी। आ मॉडल आ जो मॉडल है आ भी इदा ही स्पेंड किया जाऊगा, पहले अलॉट किया जाऊगा हेल्थ केयर सैक्टर, फिर फार्मास्यूटिकल सैक्टर, फिर मेडिकल सैक्टर जो फार्मास्यूटिकल ही आता है जी, फिर MSME सैक्टर, एग्रीकल्चर सैक्टर, आ एकदम नहीं अलॉट किया जाऊगा, इनू फेज्ड मैनर में अलॉट किया जाऊगा। तो दूजी चीज़ उन्होंने सब तो वड्डी कही है जी, साढ़े जेडे लॉज है उन्होंने ईज किया जाऊगा। इन्हों की वर्किंग पहले ही शुरू हो चुकी है। तुसी एक मॉडल देखो इनकम टैक्स में इन्होंने की किया है, हुण थोड़े दिन पहला एक इंस्ट्रक्शन इशू की है कि इन्होंने जेडे भी जेडे नोटिस है हुण कोई नोटिस नहीं इशू करने इन्होंने अजे टिल फर्दर ऑर्डर। उन्हें स्पेशली वर्ड लिखा टिल फर्दर ऑर्डर, जिहदा मतलब आ है कि टैक्स पेयर नू ड्यूरिंग दिस टाइम कोरोना वायरस टाइम दे विच बिल्कुल तंग नहीं किया जाऊगा, तो जेड़ा भी इशू करूगा ऑर्डर तो जेड़ा कोई नोटिस इशू करूगा वह वर्ड अबिनिशियो होगा, मतलब उसकी कोई सेंटिटी कुछ नहीं होगी। तो देखो जी UP गवर्नमेंट ने भी अपनी वर्किंग शुरू करती है, यार सारे लॉज लेके आए, लेबर लॉज नू ईज किया है, इंडस्ट्री नू डिवेलप करन लई, तो हुण जो साढ़े कोल फंड्स भी आ जाऊए तो साढ़े है कि बहुत तरक्की होगी। तो तीजी चीज़ आ है कि गवर्नमेंट ने मोदी जी ने कहा है जी कि देखो कंट्री नू सेल्फ रिलायंट होना पऊगा, आ बहुत वड्डी चीज़ है कि देखो सानू पैकेज दी वेट नहीं करनी चाहिए है, जो भी सानू है सानू सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए है, जो भी पैसे अपने कोल आनगे वो अलग है, वो बोनस है साढ़े लिए, पर सानू जो पैसा साढ़े कोल है सानू खुद ही डिवेलप करना पैना है। सानू नाउ वी हैव टू लिव विद कोरोना, तुसी सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके रखो, सारे सैनिटाइजर यूज़ करो, अल्टीमेटली सानू खुद नाल ही काम करना पैना है जी। गवर्नमेंट के फंड की सानू इन्नी वेट नहीं करनी चाहिए है, वो जो सानू पैसा आऊगा वो साढ़े लिए बोनस ही है। इसलिए मेरा यही कहना है कि सेल्फ रिलायंट बनो, सानू जो पैकेज है वो साढ़े लिए बोनस है, तो सारे लेबर लॉज में ईज किया जाए। तो पंजाब गवर्नमेंट को मेरी दरख्वास्त है कि जिदा UP गवर्नमेंट ने किया है, होर गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, साढ़े पंजाब विच भी इन्हों ईज किया जाए, लेबर लॉज में दूसरे लॉज में लैक्सिटी लॉज में सारे ईज किया जाए, ताकि पंजाब विच भी एक बूम आए बहुत व्डा, तो सेल्फ रिलायंट पंजाब बने दोबारा। थैंक यू जी। आश्रय जी एक होर गल मैं थोड़े करनी चाहना है कि जी ना कि हूँ रिलैक्सेशन तो काफ़ी दी गई जी ए करके जो पैकेज जारी किया गया, पर जोड़े कि हूँ डिपार्टमेंट ने फिर दोबारा शिकंजा कसना शुरू कर ही देना है, क्योंकि उन्हें अपने बाकी टैक्सेज भी चाहिए होने के, तो कहना चाहते हो कि रिलैक्सेशन होनी चाहिए है। सर जो रिलैक्सेशन है ये सू तो वेट करनी पेगी, देखो की गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होर इशू कर दी है, बट बहुत बड़ी चीज़ उन्हें देती है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में इन्होंने पहले ही कहता है जी कोई इशू नोटिस इशू नहीं किया जाऊगा, तो होर लेबर लॉज में UP गवर्नमेंट ने प्रमोट करता है जी, साड़ी सब तो वड्डी स्टेट पूरे इंडिया की उन्हें इनिशिएट करता है। हुण अलग अलग स्टेट्स का बनता है कि सारी जिहड़ी भी है लेबर लॉज में दूसरे लॉज में इलैक्सिटी लॉज में स्टेट लॉज में थोड़ा जहा अमेंड किया जाए, ताकि लेबर जिहड़ी पलायन करती पई सी वो वापस आ जाए, तो जिहड़ा जिहड़ा टैंपरेरी फेज में भी है इनू भी असीं बूम विच कन्वर्ट करिए, तो आ बूम विच आऊगा जी। तो लेबर लॉज जिहड़े है वो पंजाब विच भी अमेंड होवे, पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज़ से वर्किंग करती शुरू कर चुकी है, तो सानू जल्दी उम्मीद है कि लेबर लॉज भी अमेंड होवे, इनकम टैक्स सेंटर ने तो अपने इनिशिएटिव ले लिया जी। जी बिल्कुल जी, आश्रय सरना जी ने कहा कि बिल्कुल जी बूम आएगा ही आएगा ही अपने देश के विच, तो बाकी भी तरक्की करेगा देश, जो भी राहत पैकेज मिले मोदी जी वालों वो जरूर काम करेगा। साढ़े नाल ने CA जिंदल जी जिन्हां नाल गल करदे आ, सर जिहड़ा राहत पैकेज है ये बारे तुसीं की कहना चाहते हो? देखो राहत पैकेज उन्होंने कल बड़े इस क्लीयर किया कि 20 लाख करोड़ का जिहड़ा पैकेज आ वह हजे आना, वो अज हुण फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता काफ़ी चरणों च देन, तो ये भी नाल विच आ रहा कि जो चीज़ा पहला कह चुके हैं अगर वह भी राहत पैकेज जोड़नगे, जिवें RBI ने पिछे TLO लोन जे उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए देते हैं कि जी तुम अगे बैंकों को कहा गया कि तुम माइक्रो सैक्टर दियो या NBFCs दियो, अगर इन चीज़ों भी वो राहत पैकेज के जोड़ते हैं तो फिर ये मेरे ख्याल से हवा ही हो जाएगा 20 लाख करोड़। अगर वो कहेंगे जी भी अगर असी 5% रेट टैक्स का घटाता जी और साढ़े तो 2 लाख करोड़ का बजट से फर्क पै गया, तो वह 20 लाख करोड़ च जोड़ लीए, होर चीज़ों को जोड़ लीए, तो बाद च पता लगे कैश च हाथ च किसी के कुछ नहीं आया, तो यह जहाँ राहत पैकेज का कोई फायदा नहीं। अगर कंक्रीट कुछ आएगा इंडस्ट्री के हाथ च, खास करके छोटी इंडस्ट्री के हाथ च, सारे के हाथ च आए, मजदूरों के हाथ च भी आए, सब के हाथ च आए, तभी उस पैकेज का फायदा गा। क्यों? क्योंकि अज देखो सानू सब नू पता कि इस हालात के इंडस्ट्री जिहड़ी चल रही है सब ने लोन पर चल रहे हैं, तो लोन उन्होंने नवे मिल नहीं रहे,
क्यों? क्योंकि इन्होंने छोटिया छोटिया जिहड़े बैंक के मैनेजर ने होर ने उन्होंने मगर ईडी की सीबीआई की यह जिहियां थोटियां लगा रखिया ने जिन्हों का कम एक्सट्रीम केसिस दे विच आंदा कि जो बहुत वड्डा फ्रॉड हुंदा ते जदों बंदे दे मन च यह डर होगा किसी भी संस्था दे कि जी मैं लोन करांगा तो मैनू पकड़ लैणगे, इंडस्ट्रीस्ट कहूगा कि अगर मैं लोन लवांगा तो मैं अपने दिलों काम किया तो जे मेरा नुकसान होया फिर भी वो ईडी आ जाएगी तो काम क्यों करेगा। ये माहौल सानू हटाना पैना, सेंटीमेंट सुधारने पैने आ, इंडस्ट्री नूं ये कहना पैना भी जे एक्चुअल दे विच तुहाडा लॉस हो गया तो उहदे विच इस तरह दीआं ईडी ऊडी दीआं संस्थावां नहीं आणगीआं। ते उहनां नूं जिवें असीं कहिंदे वी सैल्फ कंप्लायंट होण लई अपने लॉ नूं मन्नण लई कि जी तुहानूं कोई तंग नहीं करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट चाहे वह लेबर आ चाहे वह इनकम टैक्स आ चाहे वह बैंक ने, बैंक भी तुहानूं तंग नहीं करन। की फर्क पऊगा गौरमेंट नूं अगर 90 दिन की जगह तो 180 दिन बाद एन पी ए हो जाऊगा जां 1 साल बाद एन पी ए हो जाऊगा। जिस बंदे ने पैसे मोड़ने आ उन्हें 1 साल दीआं किस्तां तोड़न तो बाद भी मोड़ देने जदों उहदी इंडस्ट्री चल गई, तो जे उहदे कोल पैसे नहीं आणगे तो उहनूं चाहे तुसीं 90 दिनों बाद कर लो तो चाहे 1 साल दिन बाद कर लो उहनूं कोई फर्क नहीं। जिहड़ा बंदा फ्रॉडुलेंट आ उहनूं कोई फर्क नहीं, उहनूं चाहे तुसीं कहो जी 1 दिन बाद एन पी ए बणूगा उह 1 दिन च ही लग्गे पैसे भज्जू तुहाडे। जिहड़ी इंडस्ट्री ने चलना उहनूं इह राहत देनी चाहीदी आ। प्लस गौरमेंट नूं इस पैकेज दे विच जिहड़ी कि असीं उम्मीद करदे आ, मैं पहलां वी कहा गा कि इहनां नूं इंट्रस्ट दा बर्डन कुछ कु बैंकों पर पाना चाहिए, कुछ कु गवर्नमेंट नूं आप बीयर करना चाहिए कि जो ईएमआई दे उत्ते इंट्रस्ट आ 3-6 महीनों का वो असी नहीं चार्ज करांगे ताकि इंडस्ट्री पैसे कमाना शुरू करे ते अपनियां किस्तां देनियां शुरू करे ते उहनूं इह ना होवे कि मेरा इंट्रस्ट दा बर्डन पै रहा है। और असी सारे जानते हैं कि यह एक साडा नवां जन्म होया, जदों नवां जन्म होया देश ने साडी उम्र तो छड्डो साडे फादर की उहनां दे फादर की उम्र दे विच इह चीज़ां नहीं देखियां, 100 साल बाद पहली बार होया। हुण जो बच्चा भी नवां जम्मदा वह किस तरह बिहेव करता ये सारिया चीज़ों का सानू पता लगनगियां जदों एक्चुअल च मार्केट खुलूगी डिमांड आऊगी। असी होप करते हैं कि इंडिया दे विच पापुलेशन बहुत है 130 करोड़, साड़ी सैल्फ कंप्लायंट इकोनमी बने, असी अपने उपर ते ही आत्म निर्भर होइए। लेकिन अगर असी एक्सपोर्ट करना तो सानू इंडस्ट्री नू बहुत ज़्यादा यकीन करना पऊगा, अफसरशाही तो हटना चाहिए, अफसरशाही तो टोटल खत्म करना चाहिए। मैं तो यह कहांगा अफसरशाही का रोल उदों आवे जदों बंदा ग्रोसली नैगलीजेंट बहुत ज़्यादा गलत काम करता है, उन्नी देर तक अफसरों को कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। इन्हों टोटल जिनी देर तक रिलैक्स नहीं ना करेंगे उन्नी देर तक बंदा काम नहीं करेगा। हरीश सालवे जी साढ़े बड़े तकड़े सीए ते लॉयर ने जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट च भी इंडिया के भी पक्ष रखे ने, उन्होंने भी साफ किया कि सानू लिक्विडिटी पंपिंग करनी पेगी, इंडस्ट्री से यकीन करना पेगा, कंप्लाइंसिस हटाना पेगा, सैल्फ कंप्लाइंस करना पेगा, तभी यह साड़ी इंडस्ट्री चल सकती है। अगर इंडस्ट्री में यही डर रहेगा कि जी मेरी रिटर्न रहेगी GST की, साढ़े अफसर की सोच यही रहनी है कि जी इस बार 1,00,000 करोड़ रुपया नहीं आया तो लोग जोड़ा क्रैडिट लै रहे उन्हें किमें रोकीए 90% को, जे यही सोच फसे रहनगे ना तो कदे भी तरक्की नहीं कर सकता मुल्क, इन्हों तो सानू हटना पेगा। तो नाल एक होर गल जी ये तो होगी जी राहत पैकेज की गल, तो नाल दे नाल जिवें कि हुण करोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है ये इनू ध्यान च रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए तो काम भी करना फैक्ट्रिया इंडस्ट्री भी चलानी है तो उन्होंने किस तरह उन्होंने किस तरह संदेश है कि वो किस तरह पूरा ध्यान रखन ताकि राहत पैकेज मिले मिले उन्होंने बूम तक करे इंडस्ट्री पर करोना तो भी किवें अपने आप में तो बाकी बचाओ। देखो करोना का जोड़ा असर है ना, देखो गोरमेंट दियाँ डेली रिपोर्टा आदि ICMR दियाँ कि इंडिया के इसका डैथ रेट नहीं है, तो उस तो बाद जो बड़ा डिल्यूटड वर्जन आ तो लोगों य सू डर सिर्फ इस गल का नहीं है भी करोना हो गया तो की होगा, सानू डर इस गल का कि एकदम अगर 1 करोड़ बंदे हो गया तो संभालेंगे किमें, क्योंकि साढ़े को मैडिकल फैसिलिटियां नहीं है। ये डर नहीं है 1 करोड़ के 99 लाख बंदे ने ठीक हो जाना उन्होंने कुछ नहीं होना, लेकिन डर यह भी इकट्ठा ना हो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स सानू अपनाने चाहिए है। और इंडस्ट्री भी मैं समझदा एग्रीकल्चरिस्ट मेरे एक क्लाइंट ने एग्रीकल्चरिस्ट मैं कल ही गल की वो भी हूँ जी लेबर की प्रॉब्लम माइग्रेट हो रही है लेबर वो कहें कल मैं 14 लाख की मशीन लैके आए हैं जेडे झोना अपने आप लगाऊगी, क्यों? क्योंकि वो भी हूँ सैल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अगर उन्होंने 100 लेबर की जरूरत सी तो 10 लेबर नाल काम चल सके। देखो सानू ये चीज़ों नू पर वो एक साढ़े लिए माड़ी गल भी है क्योंकि देखो 90 वर्कर उत्थे मान लो अगर अनइंप्लॉयड हो जाते हैं इस इनिशिएटिव नाल तो इंडिया वर्गा देश ये चीज़ नहीं सह सकता जिथे 130 करोड़ जनता की प्रॉब्लम हैगी है। तो मोदी जी ने एड्रैस करना चाहिए, दुकाना इन्हों खोलना चाहिए, रादर अपनी पुलिस नू इन्हों दुकाना के उत्ते इन्ने एक डिस्टेंस से लगाना चाहिए कि लोग सैल्फ कंप्लाइंट हो गए सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन कर, अगर दुकाना खुलनगियाँ तो मार्केट से डिमांड आएगी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज इंडस्ट्री इस टाइम अगर खुली भी है ना हर इंडस्ट्री से यह कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते लिए खोली है जो मेरे ऑर्डर भुगत गए तो मैं बंद कर दूंगा, ना तो मेरे को लेबर आ
तो ना ही मैनू कहिंदे मतलब कहिंदे कोई कितों सहारा, तो उल्टा मैनू डिपार्टमेंट वाले तंग कर रहे हैं। मैं बगैर नाम लए कहांगा हर डिपार्टमेंट आके मीन मेक करके वो अपनी कमाई करके चल जाते हैं, तो इंडस्ट्री नू कोई राहत नहीं हैगी सरकार वालों, रादर उन्हां दे उत्ते आफता ही आ। जी बिल्कुल जी, माहिरां ने दस्या है जो भी उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा, जिहदे नाल बूम तां आएगी आएगी, पर अफसरशाही तो छुटकारा होना भी बहुत जरूरी है। तो नाल दे नाल उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी लगातार वधदी जा रही है, जिस करके सोशल डिस्टेंसिंग खुद का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो नाल दे नाल दूजे का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक इस तरह का माध्यम जिहड़ा कोरोना की चैन नूं तोड़ सकता है। तो राहत पैक के उत्ते सारे ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में वित्त मंत्री भारत के जो कि इहदे उत्ते जो खुलासे करेंगे, जिस तरह पैकेज देंगे वो लोगों वास्ते इंडस्ट्री वास्ते फायदेमंद होएगा। जलंधर तो कैमरामैन जवेश के नाल जतेंद्र शर्मा, डेली पोस्ट पंजाबी।